के बारे में हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने आप सबको पहले ही बता दिया है, और सर ने जो निर्देश हम लोगों को दिए हैं, जैसा समिति ने पहले भी मुझे आश्वासन दिया है, अभी सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने भी ये गाइडलाइन दी है। पहला तो ये कि मूर्तियों की सुरक्षा के लिए मेरे विचार से जो बड़ी मूर्तियां हैं उन पर सीसीटीवी अनिवार्य कर दें। बहुत ज्यादा महंगा खर्च नहीं आएगा, 2,000-3,000 रुपए के आसपास में सीसीटीवी एक हफ्ते के लिए लग जाते हैं। अगर सीसीटीवी लग जाए तो सारी व्यवस्थाएं लगभग सुचारू रूप से अपने आप से चलनी शुरू हो जाएंगी। दूसरी, मेरे पास जो फोर्स की अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से मेरा अपना मानना है कम से कम 5 से 10 मूर्तियों पर केवल और केवल एक कांस्टेबल ही उपलब्ध हो पाएगा, अगर मैं बहुत फोर्स मुझे मिलेगा तब, क्योंकि बहुत तरह की ड्यूटियां हो जाती है। तो एक अनुरोध यह है कि समिति की तरफ से मैंने आग्रह भी पहले भी किया था, लेकिन अभी मेरे पास कोई एप्लीकेशन इस तरह की नहीं आई। मैंने ये निवेदन किया था कि जब हमारी मीटिंग हो तो जितनी भी मूर्तियां जो के नाम पते हो कि 2 आदमी हमें दिन में और 2 आदमी रात में हमारी उस मूर्ति की सुरक्षा के लिए समिति की तरफ से नामित किए जाएंगे। हमें उनके नाम पते चाहिए कि जब भी हमारी चीता मोबाइल जाए या जो भी हमारा बीट का कांस्टेबल जाए तो कम से कम उनकी भी अटेंडेंस ले ले कि जो समिति ने आश्वासन दिया है कि हम 4 आदमी अपने दे रहे हैं वो है भी या सिर्फ कागजों में और हवा भाई है। तो ये सबसे क्योंकि अभी ये मैंडेटरी है, चाहे तो आप इसे आदेश समझ लें या मेरा अनुरोध समझ। तो पहली हमारी व्यवस्था है जो हमारे पास फोर्स उपलब्ध मीटिंग रखी गई है, किस उद्देश्य रखी गई? देखिए, शांति कमेटी की आज बैठक थी और जैसा कि सबको मालूम है कि नवदुर्गा उत्सव आ रहे हैं, दशहरा आ रहा है, दीपावली आ रही है, हम अपने नगर को किस तरह से शांति प्रिय रखें, जो दुर्गा उत्सव हैं उनकी क्या हदें होंगी, उनकी क्या सीमाएं होंगी, और हमें इस आयोजन को, चूँकि शक्ति की ये पूजा है, नवरात्रि पर्व शक्ति की पूजा है, तो हम शक्ति की पूजा को हर्ष और उल्लास के साथ कैसे मना सकें, लेकिन एक व्यवस्था के अंतर्गत हमें उसे अच्छा मनाना है। उसके लिए आज कोतवाली में बैठक हुई, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, CO सिटी साहब और सभी अधिकारी, सभी विभागों के अधिकारी रहे, और हम लोगों ने एक साथ मिलकर ये तय किया है कि इस आयोजन को और भव्यता से मनाएंगे। सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग लेकर इस आयोजन को हम बहुत अच्छा मनाने वाले हैं। चार बार उससे चेकिंग सुनिश्चित कराऊंगा हर हाल में, और उसकी विजुअलिटी भी रखूंगा, जो फुटेज है वो मैं मंगवा लूंगा कि जब भी वो जाएगा फोटो खींच करके मुझे मेरे ग्रुप पे डालेगा। जो ग्रुप बनेगा सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने बोला है उस ग्रुप में ही वो फोटो भी डालेगा। लेकिन जो टीम आपकी है 2 दिन की और 2 रात की, निवेदन यह है कि चाहे वो टीम के सदस्य हो आपकी समिति के या कोई भी XYZ, आप चौकीदार रख सकते हैं या कोई भी व्यक्ति रख सकते हैं, लेकिन वो सुरक्षा के नाम पर 2 दिन में और 2 रात में रहे, CCTV अनिवार्य कर दें, क्योंकि जब आप इतना खर्चा कर रहे हैं तो 2-3 हजार रुपए में कोई बहुत बड़ा फर्क